ये वक्त मुनासिब नहीं है इन बातों के लिए, लेकिन Isaac, you're very special. बात करने की तमीज, बड़ों का लिहाज, तहजीब, सब कुछ भूल गए हो तुम। मुझे ये सबक पढ़ाने के बजाय अगर आप खुद सीख लें तो बेहतर होगा। अगर आपने दोबारा ऐसी बात सोची भी ना, तो याद रखिएगा कि मैं भूल जाऊंगा कि आपका और मेरा रिश्ता क्या है। बेनाम से मोहब्बत, बेनाम से कहानी, बेनाम से मोहब्बत, बेनाम से कहानी। मैंने कभी लाइबा के लिए ऐसा महसूस नहीं किया जैसा आपके लिए। मेरे दिल में जो फीलिंग्स हैं आपके लिए, ना वो किसी के लिए थी और ना हो सकती हैं। हैदर प्लीज, आगे हमारी जिंदगी कम मुश्किल में है कि मैं अपने लिए और अपनी बहन के लिए और मुश्किलें पैदा कर दूं। मैं कभी भी आपका साथ नहीं दूंगी। मोहब्बत से इनकार सिर्फ इसलिए कर रही हो क्योंकि तुम लोगों से डरती हो। बंद कर दिया है दवाई ने फोन? हाँ, तो तुमने दवाई ले ली है ना? सो जाओ। क्या हुआ है तुम्हें? कुछ भी नहीं। हैदर भाई ने भी तुम्हें मेरी तरह दिलासे दिए होंगे। बहुत परेशान है हमारे लिए। हाँ, और तुम भी यकीन रखो इन्हें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं जल्द तुमसे रابطہ करेगा। मैं जानती हूँ वो उमर की कॉल थी। जरूर वो किसी मुश्किल में फंस गया होगा फिर से, मगर आयशा मैं उससे बात करना चाहती हूँ। मैं जानना चाहती हूँ, उससे पूछना चाहती हूँ, कौन सी ऐसी चीज है जो उसे मुझसे मिलने से रोक रही है। मुझे ये सबक पढ़ाने के बजाय अगर आप खुद सीख लें तो बेहतर होगा। अगर आपने दोबारा ऐसी बात सोची भी ना, तो याद रखिएगा कि मैं भूल जाऊंगा कि आपका और मेरा रिश्ता क्या है। और हाँ, वो रिश्ते जिन्हें रिश्तों के तकद्दस का ख्याल ना हो, मुझे उन्हें खराब करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो दिल में आता है वो करता है और फिर मुझे डिक्टेट करता है कि लाइबा ऐसा ना करो, वैसा ना करो, मुझे ये पसंद नहीं है, मुझे वो पसंद नहीं है। कभी उसने ये जानने की कोशिश की कि मुझे क्या नहीं पसंद? इस तरह तो मैं भी अपनी मर्जी कर सकती हूँ। और बाबा, मैं भी आप ही की बेटी हूँ, अपनी इम्पोर्टेंस का एहसास तो उसे दिला कर ही छोड़ूंगी। यहाँ मैंने अपनी शादी मनवाने के लिए सुसाइड अटेम्प्ट कर ली, लेकिन उस बात की कोई वैल्यू नहीं है। बेगम साहब। वालेकुम सलाम। आ गई तुम? जी। कल शाम आना था और आज सुबह आई हो, शर्म तो आती रही है। अब जाओ, जाके लाइबा के लिए नाश्ता बनाओ, बेचारी बच्ची मेरी कल रात से भूखी है। जाओ। जी। जरा देखूं तो उसका मूड बेहतर होगा तो आपा से बात करती हूँ। लाइबा मुझे वो अपने कॉलेज के फ्रेंड्स के साथ पाकिस्तान टूर पे जाना है। अभी अब जाके रहूंगी, देखती हूँ मुझे कौन रोकता है। और फोन उठाओ।
आप जानती हैं ना कि मैं टूर के लिए निकल चुकी हूँ। प्लीज बार बार फोन करके मुझे परेशान ना करें। मुझे पता है कि आपने सिर्फ मुझे डांटना ही है और फिलहाल मुझे डांट सुनने का कोई मूड नहीं है। आप सब संभाल लीजिएगा प्लीज। सब संभाल इतना आसान है? यहाँ बाहर क्या कर रही हूँ? तुम्हें मना नहीं किया है कमरे से निकलने के लिए? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई निकलने की? मैंने पूछा क्यों आई हो कमरे से बाहर? आंटी वो काम। कौन सा काम? कैसा काम? तुम कहाँ चलिए बंद सवर के? स्कूल जा रही हूँ। वाह, कल तक तो अस्पताल में मरी पड़ी थी और आज इतनी हिम्मत आके स्कूल जा रही हो? क्या चाहती हो तुम दोनों बहने? मुझे देर हो रही है। देखा इसके रंग ढंग? जिसकी शेह पर ये इतनी अकड़ है ना, उसको भी देख लूंगी और तुम्हें भी। पर दौड़ जब भी कमरे से बाहर निकली तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी। दफा हो यहां से। दिमाग खराब किया हुआ है? सकीना, अरसलान, तुमने तुबा को कुछ करने के लिए कह तो दिया जल्दी शादी करने का, लेकिन सब कुछ कैसे होगा? हॉल की बुकिंग, इनविटेशन कार्ड और भी बहुत कुछ है। बच्चों, आई मैनेज, आप फिकर मत करें, डोंट वरी। फिकर तो करूंगी ना, तुम उसकी हर बात मान जाते हो। कल को तुम्हारी अपनी फैमिली होगी। देखें, जब तक तो मैं जिंदा हूँ तब तक तो मैं गुड़िया की हर बात मानूंगा, और जहाँ तक रही बात फैमिली की, तो गुड़िया मेरी फैमिली का हिस्सा है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं तुम्हारे कमरे की तरफ ही आ रहा था। मुझे बताओ मेरी गुड़िया को नींद कैसी आई? आपकी दी हुई तसल्ली के बाद मैं बहुत पुरसकून सोई। गुड। आपको पता है मैंने ख्वाब में क्या देखा? मेरी और उमर की शादी। हम दोनों इतने खुश थे, इतने खुश थे, इतने खुश थे कि मैं आपको क्या बताऊं। और मैंने ख्वाब में वो आउटफिट देख लिया जो मैंने पहनना था। मैं आपको बता रही हूँ भाई, मैंने बस वही खरीदना और कोई और नहीं, और आपने मुझे वो दिला के देना है बस। जो तुम्हारे दिल में आए खरीदना, ठीक है? थैंक यू भाई, यू द वर्ल्ड्स बेस्ट ब्रदर। प्लीज भाई, कभी मत बदलिएगा। अरे भाई, मैं तुमसे अपनी गुड़िया से कैसे बदल सकता हूँ? कभी नहीं। अरसलान, बीवी आने के बाद बदलना पड़ता है। जी नहीं, मेरे भाई की फर्स्ट प्रायोरिटी मैं हूँ, उनको बिल्कुल नहीं बदलना पड़ेगा मेरे लिए। तौबा है भाई, तुम दोनों बहन भाइयों को समझाना ना दुनिया का मुश्किल काम। अच्छा, अब काम करेंगी? परवीन से कह के मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनवा दें, मुझे बहुत भूख लग रही है। बनवाती हूँ। अरसलान, तुम जल्दी आ जाना, हम शॉपिंग आज से ही स्टार्ट करते हैं, और मेरे ख्याल में हमें उन पे बर्डन नहीं डालना चाहिए। हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हैं। यहाँ पे काम कीजिएगा, आप उन्हें कॉल करके कह दीजिएगा कि वो अरेंजमेंट्स की फिक्र ना करें, वो मैं देख लूँगा। ठीक है? ठीक। चलें जी, मैं निकलता हूँ फैक्ट्री के लिए, होती है फिर मुलाकात। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर। चलो मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनाती हूँ, ठीक है? जी जी ठीक, जैसे आप लोग चाहें, जैसे आप लोगों की मर्जी। सही, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। आयशा, आयशा भाई, हमारे तो सारे मसले हल हो गए, सारी जिम्मेदारी दो मिनट में अपने सर पे ले ली उन लोगों ने। जुबारिया कह रही थी कि शादी की दोनों तरफ की जिम्मेदारी वो खुद लेगी, सारे काम वो लोग कर लेंगे, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। वाह, कितने दिलदार लोग हैं ना। शादी नहीं, उन्होंने मंगनी की बात की होगी। वही तो, मंगनी का इरादा बदल के उन्होंने शादी का इरादा कर लिया है। मैं, आपने मना नहीं किया इतनी जल्दी शादी में? आप प्लीज उन्हें मना कर दें। मना करने की कोई वजह तो हो। मैंने उनसे कहा था कि इतनी जल्द हम लोग शादी के इंतजाम नहीं कर सकते। उसने कहा आप लोग बेफिक्र हो जाए, सब इंतजामात वो लोग खुद करेंगे। तो आप ही की शादी करा दे, मैं अपनी शादी अपने बलबूते पर ही करूंगा। वो लोग इतने भोले हैं ना कि हमारी बेटी को ब्याह कर लेकर चले जाएंगे और अपनी बेटी को बिठा के रखेंगे। मैं तो कह रही हूँ जो हो रहा है ना होने दो। नहीं, कोई हमारी मर्जी भी है या नहीं, पहले रिश्ता ले आए, फिर वटा सटा हो गया, और फिर मंगनी की बात उन्होंने शादी में बदल दी। सब कुछ उन्हीं की मानते रहेंगे क्या? अम्मी देखें, आप, मैं आपको कह रहा हूँ, आप उन्हें मना कर दें, मैंने इतनी जल्दी शादी नहीं करनी। उमर, अब तो मुझे ना टेंशन दे रहा है। याद नहीं डॉक्टर ने क्या कहा था?
प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करें। मैं सब समझ गई और फैसला हो गया है, अगले हफ्ते तुम दोनों की शादी। और हाँ, तैयार हो जाओ, तुम्हें शॉपिंग पे जाना है जुबारी और तुबा के साथ। आपने और उन्होंने सब कुछ तय कर लिया है तो शॉपिंग पे भी आप लोग ही चले जाएं। मुझे एकेडमी जाना, देर हो गई। उमर, आप ठीक नहीं कर रही हैं। हाँ हाँ, सब कुछ गलत मैं ही तो करती हूँ, दुश्मन हूँ ना मैं तुम दोनों की। ऐसा भी नहीं कहा मैंने। अब बिला वजह अपनी तबीयत खराब करने की आपको जरूरत नहीं है, मैं तो जा रही हूँ ना। और वैसे भी आपका जोर बस मुझ पर ही चलता है। अस्सलामुअलैकुम। सॉरी सामी को, आप यहाँ? आप उमर के दोस्त हैं ना? जी। क्या आप मुझे उसका कोई कांटेक्ट नंबर दे सकते हैं या ये बता सकते हैं कि वो कहाँ मिलेगा? वो एक कोचिंग सेंटर में पढ़ा रहा है, वो तो वहीं मिलेगा आपको। और नंबर आप नोट कर लें। मेरा ख्याल दुरुस्त है, ये उसका ही नंबर है। वो अकेडमी उसकी थोड़ी यहाँ से फासले पर है, अगर आप कहें तो मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं, मैं खुद ही चली जाऊंगी, बस आप अगर मुझे एड्रेस समझा देते। आ रहा हूं। हाँ साकिब, बस यार निकल रहा हूँ एकेडमी के लिए। अब नहीं उमर, मैंने तुम्हें एकेडमी के लिए कॉल नहीं की यार। फिर यार वो भाभी, मतलब एमएल मिली थी अपने पुराने स्टोर के करीब, तुम्हारा नंबर और एड्रेस मांग रही थी। कहीं तूने उसको घर का एड्रेस तो नहीं दे दिया? नहीं नहीं, तेरे घर का एड्रेस नहीं दिया यार। हाँ मगर वो एकेडमी का एड्रेस और तुम्हारा नया वाला नंबर दे दिया मैंने। साकिब यार क्या किया है यार तूने ये? यार तू सब कुछ तो जानता है। नहीं मिल सकता, मैं उसे मिलकर कहूंगा क्या? मैं तो उसे नजरें तक नहीं मिला सकता। मिलकर क्या अपनी अपनी बेबसी की दास्तान सुनाऊं उसको? यही चाहता है तू? मोहब्बत के दावे करके बीच राह में छोड़ने की अजियत नहीं देख सकता एक बार फिर उसकी आंखों में? जाओ मिल उसे और कह दे उमर आज एकेडमी नहीं आएगा, और ये भी कह देना कि मर गया हूं मैं। मर गया हूं। जो लिखा हो किस्मत में वो कभी क्यों मिटता नहीं, गर्दिशों में मेरा सफर काटे से क्यों कटता नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राबिया कहाँ है? वो अपने कमरे में। जरा बुलाओ जल्दी। मैं बुलाती हूँ, आप आइए। अस्सलाम वालेकुम आपा, आप अच्छे टाइम पे आ गए।
खास तौर पर मैं बाबर के लिए बात करने के लिए आई हूँ। हैदर को पता चल गया, जानती हो ना इस बात का मतलब? अरे इतनी छोटी सी बात थी, वो तो शुरू हो के खत्म हो गई और हैदर ने आपको बता भी दिया। तो चले आए बैठे। इस वक्त तो असल में परेशानी हैदर की है। मैं आपसे कई बार कह चुकी हूँ, हैदर और लाइबा की शादी करा दें। आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन हैदर आपकी बिल्कुल भी नहीं सुनता है। लाइबा से शादी का टालता रहता है, अब तो उसको इग्नोर भी करने लगा है। कल तो उसने हद ही कर दी, लाइबा के साथ डिनर कैंसिल करके उस एमल और आयजा के साथ चला गया। हाँ, बता रहा था कि वो एमल की तबीयत खराब हो गई थी तो हॉस्पिटल लेके गया था उसे। वैसे राबिया, तुमने ना बेवकूफी करने की कोई कसर हाथ से जाने नहीं दी। तुम्हारे घर में दो जवान लड़कियां रहती हैं, तुम्हारा शौहर खुद जिम्मेदारी बना के उन्हें यहाँ ले आया, तो तुम्हें चाहिए ना कि उनकी जो भी जरूरत है वो अपने हिसाब से पूरी करो। ये दुनिया दिखावा भी तो कोई चीज होती है या नहीं? किसी को हमदर्दी का मौका दोगी तो वो तो हमदर्दी करेगा, और हैदर को तो तुम जानती हो, हर वक्त मदद करने के लिए तैयार रहता है वो। अरे रहने दे आपा, अब आप हैदर की गलतियों में पर्दा डाल रही हैं। अरे नहीं, मैं उसकी गलती पे कोई पर्दा नहीं डाल रही हूँ, मैं तो तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ। जानती हो ना तुम उसकी आदत और फितरत को। अच्छा खैर, हैदर को छोड़ो, बाबर की बताओ, बल्कि उसे समझाओ कि एमल का पीछा छोड़े और अपनी बीवी को वापस लेके आए। प्लीज सुनो, हैदर को पता चला है, अगर उसने तैमूर को बता दिया तो? अरे ऐसे कैसे बता दिया, आप मना करें ना उसको, और मैं कोई बाबर का साथ नहीं दे रही हूँ। हाँ देना भी मत उसका साथ, भाई तो वो हमारा है, लेकिन जैसा भाई है तुम भी जानती हो, तो हमेशा तुम्हें समझाती रही कि भाई भावत से फासला रखो, उन्हें उनके काम से काम करने दो, लेकिन तुमने मेरी एक बात ना सुनी राबिया। अच्छा खैर, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, वक्त हाथ से नहीं गया, बस तुम उसकी हौसला अफजाई करना बंद कर दो। अच्छा सुनो, लाइबा को बुला, वो मुझसे नाराज होगी, मैं उसे खुद ही मना दूँ। लाइबा तो मेरी बच्ची, इतनी परेशान इतनी अपसेट, रो रो के बुरा हाल कर दिया उसने। उसका दिल बहलाने के लिए मैंने उसको अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ भेज दिया बाहर। क्या, अकेली लड़की को तुमने शहर से बाहर भेज दिया? जानती भी हो कि इसमें कितना हंगामा होगा। पापा, इसी उम्र में तो बच्चे अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशें पूरी कर सकते हैं, रहने दें आप। बाप यानी जवान अकेली लड़की को तुमने शहर से बाहर भेज दिया, ये छोटी सी बात है? तैमूर से पूछा था उसने? जाहिर है आपा, तैमूर की इजाजत के बगैर कैसे जा सकती है वो भला। और हैदर को पता? हैदर का मुझे नहीं पता, पता है कि नहीं पता है, लेकिन उसको बड़ी परवाह है ना लाइबा की। आप बैठे, मैं आपके लिए चाय मंगाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे उमर साहब से मिलना था, वो यहीं पढ़ाते हैं ना? उमर सर जी, वो यहीं होते थे मगर अभी नहीं है, उन्होंने रिजाइन कर दिया है। रिजाइन कर दिया? जी। क्या आप मुझे उनके घर का एड्रेस दे सकती हैं? सॉरी मैम, हम अपने टीचर्स की पर्सनल डिटेल्स शेयर नहीं कर सकते। मुझे ना अशद जरूरत है, प्लीज। सॉरी, मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकती, एक्सक्यूज मी। अब बोल कि तू ये शादी अगले हफ्ते ही करेगा और तुबा को खुश रखेगा। बेनाम से मोहब्बत, बेनाम से कहानी।
उम्र आएगा ना? हाँ हाँ उम्र आएगा। पता नहीं कहाँ रह गए हैं ये लोग। अरे आ गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उमर नहीं आया? वो तो नहीं आ रहा। क्या मतलब नहीं आएगा? आप अकेली आ गई? उसको जरूरी काम था। मुझसे ज्यादा जरूरी काम क्या हो सकता है? मैं उसकी होने वाली बीवी हूँ। अरसलान भी तो नहीं आया ना? कोई बात नहीं। अरसलान भाई नहीं आए तो वो तो इनका मसला है ना, मेरा मसला थोड़ी है। आपने इनकी अम्मी को कहा था ना? हाँ हाँ मैंने कहा था, पर वैसे भी ये लड़कों का काम नहीं है शॉपिंग करना। वो मेरा होने वाला हस्बैंड है, उसको मेरी शॉपिंग में इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। आप कराएं शॉपिंग, में जा रही हूँ। मेरी बात सुन। सॉरी, हम शॉपिंग कल कर लेंगे, जब तक तुबा का मूड भी ठीक हो जाएगा। बाबा खुदा के वास्ते कुछ करो, किसी तरीके से लाइबा को वापस लाओ, अगर तैमूर को पता लग गया वो मेरी जान ले लेंगे। अकरम ये रूम में ले लो। आपको तो दो दिन बाद आना था। तो क्या हुआ, इतनी हैरान क्यों होगी? अपने घर ही वापस आए। नहीं वो वैसे आपके लिए मैं पानी मंगाती हूँ। सकीना पानी लाओ। ये तुम्हारी हवाइयाँ क्यों उड़ी हुई? और एमल का क्या हाल है? हैदर ने बताया कि उसकी तबीयत खराब थी, अब कैसी है? तो आप उसकी फिक्र में वापस आई हैं? काम खत्म हो गया था इसलिए घर वापस आ गए। जैसे मैं जानती नहीं। खैर जो जी में आए समझो तुम। थैंक यू। लाइबा कहाँ है? लाओ से मैं उसके लिए कुछ चीजें लेके आया। लाइबा? हाँ भाई, हर वक्त शिकायतें जो करती रहती है, अभी आके मुझसे शिकायत करेगी। आज मैं उसकी सारी शिकायतें दूर कर दूंगा, अपने हाथों से उसे चीजें दूंगा। वो असल में लाइबा घर पे नहीं है। कहाँ गई? वो तैमूर उसका जो कॉलेज ट्रिप था ना, वो मैंने ही उसको इजाजत दी है। वो असल में बहुत ज्यादा जिद कर रही थी। What? राबिया, उसने जिद की और तुमने किसी भी बात की परवाह किए बगैर उसे भेज दिया, बावजूद इसके कि मैंने तुम्हें मना किया था। वो बस ना। अरे आयशा इतनी जल्दी आ गई, क्या हुआ? होना क्या है, आपके गलत फैसले की वजह से मैं अब सारी जिंदगी भुगतूंगी। उमर शॉपिंग पे नहीं गया तो तूबा ने मेरे मुंह पे शॉपिंग डिले कर दी। अब आप देखिएगा कहां कहां और किस किस तरह मैं जलीलूंगी। अम्मी आपको मैं ही मिली थी, आजमाइश की चक्की में पीसने के लिए मैं ही मिली थी। भाभी, कर ली ना तूने अपनी जिद पर, तेरी जरा सी लापरवाही की वजह से मेरी बच्ची की आंखों में आंसू आ गए। चाहता क्या है तू? क्या चाहता है? मैं शादी के लिए मना कर दूं उन्हें? अरे उमर तू इतना संगदिल क्यों हो गया है? क्या तुझे हम दोनों की जरा सी भी परवाह नहीं है? अगर नहीं है ना तो फिर जहर दे के मार दे हमें और ले आओ उस लड़की को,
जिसके खातिर तू इस शादी से भाग रहा है। इस तरह चलने से तो बेहतर है कि हम दोनों मर जाएं। मम्मी ये क्या बातें कर रही हैं आप? अरे मैं माँ हूँ उसकी। सारी जिंदगी वो तेरे लिए कुर्बानियां देती आई, उसको इस तरह से रोते हुए मैं नहीं देख सकती। अब तेरी गलतियों का खुमियाजा भी वही भुगते, क्यों? क्यों रोज रोज जलाने से तो बेहतर है कि तू हमें एक दफा ही कब्र में उतार दे। खुदा का वास्ता मम्मी, ऐसी बातें मत किया करें। कह दे उन्हें कि मैं अगले हफ्ते शादी करने के लिए तैयार हूँ। ऐसे ही शादी करेगा जिस तरह से ये मंगनी की है? क्या चाहती हैं आप? क्या करूँ? मेरे सर पे हाथ रख के कसम खा कि ये शादी निभाएगा, तूबा को खुश रखेगा तू, क्योंकि तेरी बहन उसी वक्त खुश रह सकती है उस घर में जब तूबा इस घर में खुश रहेगी। करूंगा। नहीं, खाली खुली मैं तेरी बातों में नहीं आने वाली। तुझे मेरे सर पे हाथ रख के कसम खानी होगी कि तू ये शादी निभाएगा। मैंने आपसे कहा ना मैं करूंगा। अब बोल कि तू ये शादी अगले हफ्ते ही करेगा और तूबा को खुश रखेगा। करूंगा, अगले हफ्ते शादी भी करूंगा और आपकी लाई हुई बहू को खुश भी रखूंगा। उमर तुझे कैसे समझाऊं मैं? एक माँ अपनी औलाद का बुरा नहीं चाह सकती, पर तुम लोगों की बुराई में नहीं हूं बेटा। बस थक गई हूं मैं, थक गई। कोई काम था उमर? आंसू को आप छुपा रही हैं उन्हें मैं देख चुका हूं। कितना बुरा भाई हूं ना मैं आप ही? तुम बुरे नहीं हो उमर। नहीं हूं मैं बुरा, आप ही मैं बुरा हूं। आपकी आंखों में आंसू मेरी वजह से हैं, आपकी इंसल्ट मेरी वजह से हुई है। आप ही आई एम रियली सॉरी। अगर मैं आज खुद गर्ज होकर वहां जाने से मना ना करता तो आपके साथ ये सब कुछ ना होता। तुम खुद गर्ज नहीं हो, मैं बेबस हूं जो तुम्हारे ख्वाबों के बीच में आ गई। तुम मम्मी को मना कर दो प्लीज, इस आजमाइश को अपने लिए भी खत्म करो। के लिए तो मैं हर आजमाइश देने के लिए तैयार हूं। अब देखिएगा, आपको तो क्या किसी को भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। कह दिया मैंने अम्मी से कि शादी अगले हफ्ते ही होगी। उनकी लाई हुई बहू को सिर्फ कबूल ही नहीं करूंगा बल्कि खुश भी रखूंगा। तीन लोगों की खुशियों के आगे मेरी खुशी की क्या कदर? आप रोना बंद करो। गलती आयशा की थी, आपके कहने के बावजूद वो उमर को क्यों नहीं लेकर आई? तूबा, तुम बात को बिला वजह बढ़ा रही हो। मैं बढ़ा रही हूँ बात को?
और आप? तूबा 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 बेटा रिलैक्स, क्या हुआ इसे? किसी ने कुछ कहा है? कुछ खास नहीं। क्या मतलब कुछ खास नहीं? आप आयशा की साइड ले रही हैं अब? भाई मुझे कोई बताएगा क्या हुआ है? आयशा ने कुछ कहा इसे? आयशा ने इसे कुछ नहीं कहा। भाई बच्चों गलत कह रही है, आयशा ने आपके ना जाने का बदला मुझसे लिया है। बच्चों के कहने के बावजूद वो उमर को साथ लेके नहीं आई। वो उमर की बड़ी बहन है ना, अगर वो चाहती तो वो उमर को साथ लेकर आ सकती थी, किसी हाल में भी लेकर आ सकती थी, पर वो नहीं चाहती थी। वो नहीं चाहती थी, वो आपके किए का बदला मुझसे ले रही है। अब आप कुछ गलत करेंगे तो वो उसकी सजा मुझे देगी भाई, मुझे देगी। गुड़िया 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 बेटा गुड़िया, आयशा ने ठीक नहीं किया बच्चों, और आप समझाना चाहिए था ना आपको आयशा को। क्या समझाती मैं उसे, इसमें उस बेचारी का कोई कसूर नहीं था। आपने शायद सुना नहीं बच्चों, लेकिन तूबा ने पूरी बात को अच्छे से समझ ली है। आयशा उमर की बड़ी बहन है, चाहती तो उसे जबरदस्ती अपने साथ लेकर आ सकती थी, लेकिन नहीं। मैं तुम दोनों की भी बड़ी बहन हूँ, क्या मैं तुम दोनों को शादी से रोक पाई? नहीं ना। ओ फॉर गॉड सेक बच्चों, आप किस बात को कहाँ पे छोड़ रही? अगर आप चाहती है ना कि तूबा नॉर्मल रहे तो बराए मेहरबानी उन लोगों से वो ही करवाएं जो तूबा चाहती है। मैं उसे जितना नॉर्मल रखने की कोशिश कर रहा हूँ, आप उतना ही डिस्टर्ब कर रही हैं उसे। एनीवे मैं जा रहा हूँ उसको ऊपर देखने के लिए, आप परवीन से कहें उसके लिए जूस वूस लेकर आए। हेमल क्या हुआ, कहाँ थी? नहीं मिला हूँ। कौन नहीं मिला? तो क्या उमर को ढूंढने गई थी? और क्या करती, जब तक तेरा हाथ नहीं मानता मैं कैसे मान लूं ऐसा? तुम कम से कम मुझे बता तो देती। क्या हो क्या है मल तुम्हें? सब खो देने के बाद अब क्या हो सकता है ऐसा? तुम इतनी मायूस क्यों हो रही हो हेमल? मैं किसी से बात नहीं करना चाहती। अंकल आ चुके हैं घर। तो इसमें खास बात क्या है? वापस तो उन्होंने घर ही आना था ना। मेरा मतलब है कि तुम अंकल को मत बताना कि तुम स्कूल गई थी। तुम जानती हो ना स्कूल अंकल के दोस्त का है, अगर किसी तरह उन्हें पता चल गया कि तुम स्कूल के बजाय कहीं और गई थी तो मुसीबत हो जाएगी। मैं अब कोई भी नहीं मुसीबत इतनी तकलीफ नहीं दे सकती जितनी उसके ना मिलने से हो रही है। तुमने बहुत गलत किया राबिया, तुम जानती हो हालात कैसे चल रहे हैं और तुमने जवान बच्ची को अकेले तन्हा इतने दूर भेज दिया। तैमूर वो मैं क्या, तुम्हारी इन्हीं बेजा जिदों ने उसको खुद सर कर दिया। तैमूर और क्या करती मैं, वो आपसे नाराज थी, मुझे तो डर था कि कहीं वो खुदा ना खास्ता। क्या मतलब, वो खुदकुशी की धमकी देकर अपनी मनमानियां करती रहेगी? अभी फोन करो उसको और बोलो वापस आए। कैसे अब उसका ट्रिप? क्या ट्रिप, तुमने जो करना था कर दिया, अब तुम्हारी एक नहीं चलेगी, बहुत हो गई। जो मैं कह रहा हूं वही करो, बुलाओ उसको, बल्कि एक काम करो उसको बोलो पहली फ्लाइट लेकर वापस आए। हद कर दियो। लाइबा मैंने तुम्हें मना भी किया था कि तुम नहीं जा सकती हो, उसके बावजूद तुम चली गई हो। अब मुझे तुम्हारे बाप की हजार बातें सुननी पड़ रही है। मामा अब आपको ना इन सब चीजों की आदत डाल लेनी चाहिए, आपके और बाबा के बीच में तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। मैं यहाँ अपनी मर्जी और खुशी से आई हूँ, प्लीज मुझे तंग ना करें अब आप। तुम्हारी खुशी की सजा मुझे मिल रही है, तुम्हारा बाप कह रहा है फौरन तुम्हें पहली फ्लाइट से वापस बुलाऊं। रियली बाबा को मेरी फिक्र कब से होने लग गई है? आई मीन जब पहले मैं घर पे होती थी तब तो उनको मेरी कोई परवाह नहीं थी, हमेशा मुझे इग्नोर करते थे, तो उनको कहें कि मैं भी इस वक्त घर पे नहीं। पागलों वाली बातें मत करो, बाप है वो तुम्हारा, और आप आई थी उनको भी पता लग चुका है, अगर हैदर को पता लगेगा तो वो कितना बुरा मानेगा। मैं तो चाहती हूँ उसे बुरा लगे, जब हमारी लाइफ के सारे डिसीजंस वो मुझसे पूछे बगैर ले लेता है, जानती है मुझे कितना बुरा लगता है। लाइबा उसकी बात और है, तुम समझो। लाइबा जल्दी आओ, हमें जाना है। मामा
मामा प्लीज मुझे इन चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप खुद हैंडल करें, मैं जा रही हूँ। ओके ठीक है बाय। क्या होगा इस लड़की का? चलो चलो चलो। फिर कब तक क्यों चुप रहोगी? बता क्यों नहीं रही, क्या हुआ था वहां? उमर का दोस्त मिला था साकिब, उसने बताया कि उमर ने कोई एकेडमी ज्वाइन कर ली है। मैं वहां भी गई थी मगर वो वहां से रिजाइन दे चुका था। पता नहीं क्या हुआ है उसे, मुझे बहुत डर लग रहा है आयजा, कहीं ऐसा ना हो कि पहले की तरह फिर से वो किसी मुसीबत में फंस गया हो। हला ना करे, कैसी बातें कर रही हो मैं, चला सब ठीक होगा। कैसे होगा यार, पहले स्टोर फिर एकेडमी, किससे भाग रहा है, कौन उसके पीछे लगा है? बाबर के अलावा ये और कोई नहीं हो सकता। एमल ऐसा भी तो हो सकता है, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी ना हो। अच्छा सोचोगे तो यकीनन अच्छा होगा। अगले हफ्ते शादी, यार क्या हो गया तुझे? मंगनी तक ठीक था, कम से कम इस तरह तुझे थोड़ा वक्त मिल जाता, कोई ना कोई शायद हल निकल आता। मैंने भी यही सोचा था। मेरी माँ, मेरी कुल कायनात, मेरी जन्नत है यार। मैं जन्नत को कैसे नाराज कर सकता हूँ? नाराज कर सकता हूँ जन्नत को? और वो उसका क्या, वो जो अब भी तुम्हारी आस लगाए दर बदर तुझे ढूंढ रही है, दर बदर की ठोकरें खा रही है, उसका क्या कुछ हुआ? उमर, ये सब तूने इसलिए किया था कि वो भी तुम्हारी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाएगी तो तुम अपनी मजबूरियों का रोना रोकर उसको छोड़ दोगे? देख साकिब, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, मुझे और परेशान मत कर। परेशान तू नहीं, परेशान वो है। मैंने उसकी आंखों में बेबसी देखी है यार। यार उमर, तू सोच नहीं सकता, जब वो रिसेप्शनिस्ट ने उसको तुम्हारे रिजाइन के बारे में बताया। देख उमर, मेरी बात सुन, प्लीज ऐसे मत कर यार। देख, मैं जानता हूं तू नहीं रह सकता उसके बगैर, ना वो तुम्हारे बगैर रह पाएगी। आखिरी कोशिश करके तो देख यार, आंटी से बात तो करके देख, प्लीज ऐसे मत कर यार, प्लीज। क्या बात करो यार, कुछ बात करने को है? कुछ नहीं है। जानता है, मैंने बचपन से लेके आज तक मेरे जितने लाड उठाए सब सूद समय वापस मांग लिए।